सर्वे कंडक्ट कराया गया था जिसमें देखा गया था कि लोग क्या चाहते हैं, इस बार अपना सांसद किसको चाहते हैं। मदन कौशिक भी था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी उसमें मौजूद था, आपका भी था, लेकिन आपके वोटों का आंकड़ा मात्र 32%। उसकी भी जरूरत है, या परेशान तो नहीं है ना सर? बिल्कुल नहीं हूँ, तो बस ठीक, खुश रहिए जो परेशान है। शंकर जी मेरे साथ मौजूद है, गौरव कौशिक जी मौजूद हैं और शुभाराम प्रजापति मौजूद है। सर, सबसे पहले हम बड़े बड़े बोर्ड पढ़ रहे थे कि स्वागत का बैठक है, तो मैं सबसे पहला सवाल होगा किस अचीवमेंट पे वैसे स्वागत कार्यक्रम बीजेपी युवा मोर्चा का हो रहा है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं अभी पहले भी शुभाराम प्रजापति के कार्यालय पर युवा मोर्चा। हमारी यहाँ परंपरा रही है, आपको मालूम है कि जब हमारा कोई नौजवान सीमाओं पर जाता है तो माँ उसका अभिनंदन करती है, वो योद्धा होता है। जब भी कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो हमारे यहाँ उनका सम्मान होता है, टीम का स्वागत होता है, टीम का पारस्परिक परिचय होता है, एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान होते हैं। अभी तक तो हम अलग अलग रहे होते हैं, लेकिन जब एक परिवार का हिस्सा बनते हैं तो सामूहिक रूप में हमको एहसास होता है कि आज से हम किस परिवार के लोग हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा परिवार है। इसलिए आज युवा मोर्चे के जितने भी मंडल हैं, उनके मंडल अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष की पूरी टीम, तो जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में चलने वाला ये तो पूरा जिला है, उसकी कोर टीम जो महत्वपूर्ण लोग हैं मंडल की टीम और जिले की टीम, उनका आज स्वागत था। याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले भारत जनसंख्या के आधार पर सबसे पहला देश बना था जिसमें इतनी जनसंख्या, लेकिन उसमें एक आंकड़ा और निकल के आया था कि पूरे देशों में 68% युवा अपने देश के अंदर, लेकिन उसमें से एक आंकड़ा और निकल कर आता है कि उसमें से बहुत ज्यादा आंकड़ा ऐसा था कि युवा बेरोजगार था। भारतीय जनता पार्टी युवा तो जोड़ रही है, लेकिन क्या उनके रोजगार की भी सोच रही है? आपको मालूम है कि आज पूरी दुनिया में युवा छाया हुआ है, वो बीजेपी की देन नहीं है, इस देश का युवा की देन है। और बीजेपी का जो अब शासन है, उस शासन में किस तरीके से वो नौजवान जो विदेश में जाता था, वो किस तरीके से अपने देश में खड़ा हो करके यहाँ की परिस्थितियों को और अच्छा बनाए, आपको मालूम है। यदि आप पिछले 8-9 वर्षों से देखेंगे तो जितने स्टार्टअप शुरू हुए 50 साल में नहीं हुए, यहाँ हाँ, आपको तो मालूम है ना, उसी को तो आंकड़े में दे रहा हूँ आपको कि युवाओं ने अपना केवल नौकरी नहीं बल्कि नौकरी को देने वाले ऐसे संस्थानों को स्थापित किया है, और आगे आने वाले 5 सालों में जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी मूल रीढ़ ये युवा बनने वाला है, और लगातार उसके स्टार्टअप के माध्यम से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप की उस परंपरा से होकर आगे गुजरने वाला है, और इसीलिए आज बहुत तेजी से युवा भारत का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि अभी आयत निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष लेके आए, और इतने वर्षों में शायद बीजेपी का पहला जिला पंचायत अध्यक्ष बना, और आपने कहा वो निर्विरोध था, लेकिन अभी सुभाष शर्मा द्वारा कहा जा रहा था कि 60 करोड़ रुपए का जो गबन है वो किया गया है, और आप निर्विरोध की बात कर रहे हैं जबकि कितनी बार रिकाउंटिंग हुई है और जीते हुए प्रत्याशी हार गए हैं, तो आप हाउ कैन यू से ये निर्विरोध था? ये उनको बोले, मुझे ढूंढ के जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप ही काफी कुछ जवाब दे रहे होंगे। एक सेकंड, एक सवाल और है मेरा कि आज शायद आपको ज्ञात होगा कि आज महाराणा प्रताप की जयंती है, तो देखिए महाराणा प्रताप जी पर पूरे देश के अंदर हमारे कार्यक्रमों कई एक सप्ताह से चल रहे हैं, केवल आज ही नहीं चल रहे। महाराणा प्रताप इस देश की आन बान और शान है। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाकर भी राणा ने जीवन वार किया, ऐसे हम अपनी पीढ़ी को पढ़ाते हैं। महाराणा प्रताप जैसा योद्धा जिसने अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपनी कुर्बानियों को दिया हो, ऐसे महाराणा प्रताप जैसे लोग चाहिए आज। इसीलिए हमारी NEB 2020 में हम उन लोगों को भी पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को भी दिखा रहे हैं, उन लोगों को भी आगे अपनी पीढ़ी से परिचय करवा रहे हैं जिन्होंने योद्धा का काम किया हो, जिन्होंने समर्पण के साथ पराकाष्ठा का लोगों को प्रेरणा देने का काम किया हो, उसमें महाराणा प्रताप जी। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा और रहेगा कि एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था, भैया एक सेकंड प्लीज।
कार्यक्रम के लेट हो रहे हैं। एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था जिसमें देखा गया था कि लोग क्या चाहते हैं, इस बार अपना सांसद किसको चाहते हैं। मदन कौशिक भी था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी उसमें मौजूद थे, आपका भी था, लेकिन आपके वोटों का आंकड़ा मात्र 32% था। उसकी भी जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप उसकी चिंता मत करिए, आप उसकी चिंता मत करिए। वो करते ही करते हैं, मैं तो 40 साल से चुनाव लड़ता हूँ, लड़ाता हूँ, जीतता हूँ, जिताता हूँ बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक। सर बस एक क्वेश्चन का जवाब आ रहा देते जाएगी, 2000 के नोट के ऊपर में आपकी प्रतिक्रिया नहीं। तो कह दिया मैंने कह दिया। सुनिए तो 370 करोड़ 2000 के नोट छपे थे जो RBI ने 2019 में छापना बंद कर दिया था, लेकिन 54 करोड़ 2000 के जो नोट है वो बाजार से गायब है, सर्कुलेशन में नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा आंकड़ा 500 के नोटों का पार हो चुका है, जबकि 8 लाख समथिंग करोड़ नोट है जो सर्कुलेशन में नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, आप परेशान तो नहीं है ना? सर बिल्कुल नहीं हूँ। तो बस ठीक, खुश रहिए, जो परेशान है